शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्योंकि तू ही हो। मुझे रोकी की बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। खुद तो बाहर खड़ा है और मुझे यहाँ फंसा दिया। जन्मों जन्मों तक साथ निभाने का वादा करके आपने मुझे धोखा दिया है। करण की कोई भी पुरानी तस्वीर अब इस हवेली में नहीं रहेगी। इतना सब कुछ मेरे कारण हो गया बेचारी के साथ, लेकिन अब मुझे खुद काव्या के लिए सब कुछ करना होगा। बस बस धीरे धीरे, बस आराम से बेटा। बस आ गया, चलो लेटो। सोचा पार्वती जी, लेट जाओ बेटा। पापा जी बस कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, पहले आराम करो, सारी बातें बाद में करेंगे। सोचा अंकिल, मैं 2 मिनट में आता हूँ। हाँ जाओ, जाके लेके आओ। चलिए माँ। अरे आइए तो। क्या है, हाथ छोड़ो हमारा। लाइए दीजिए। क्या? हाँ वो क्या है ना, मीठा खाने की बहुत क्रेविंग सी हो रही है। तो ऐसा करो, कुछ काजू की बर्फी लाके दे दो मुझे। हा? अरे रिपोर्ट लेने गई थी ना, रिपोर्ट लाई कि नहीं लाई? दिखाई नहीं दे रहा, खाली हाथ आई हूँ मैं। मैंने अम्मा जी का पूरा कमरा छान मारा, पर वो डीएनए रिपोर्ट मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। कहीं नहीं मिला मतलब क्या? एक बात समझ में नहीं आ रही, अम्मा इस रिपोर्ट को इतना छुपा क्यों रही है? मतलब रिपोर्ट झूठी है? आप समझे नहीं डैड, डैड रिपोर्ट सच्ची है कि झूठी है मुद्दा नहीं है। फिलहाल हमारे लिए वो रिपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। We need it. फिलहाल आप दोनों ना ये रिपोर्ट को गोली मारिए। मेरे पास उससे भी ज्यादा बेहतरीन खबर है। क्या? वो मैं जब कमरे में थी ना, अचानक करण के आ जाने से मैं वहीं छुप गई, और जैसे ही काव्या कमरे में आते ही वो करण के ऊपर बरस पड़ी, और जिस तरह से वो बरसी है ना, उससे साफ पता चलता है कि काव्या ने करण को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। इस बात का शक तो मुझे बहुत पहले से था, अब आप देखना मैं कैसे इस करण और काव्या की लड़ाई को झगड़े में बदल देता हूं। इतनी लंबी दीवार खड़ी करूंगा इन दोनों के बीच कि फिर इन दोनों को अलग करना मेरे लिए चुटकी भर का काम रह जाएगा। बढ़िया, तुम सही कह रहे हो, हमें कुछ भी करके इन दोनों को अलग रखना होगा, वरना तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मेनका, क्या चल रहा है यहाँ? सुबह से कुछ नहीं खाया, अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। उसके लिए उसका कुछ फेवरेट बनाता हूँ। काव्या का तो सब कुछ फेवरेट है, लेकिन सबसे फेवरेट क्या है? सोच कर, सोच सोच।
माँ के हाथ का खाने के लिए पेट में जगह की जरूरत नहीं होती। पुलाव, माँ के हाथ का पुलाव बन जाएगा। होम मेड पुलाव। अम्मा जी, मैं क्या? मैं वो मैं बताता हूँ दादी माँ, वो क्या है ना, देखिए इतने दिनों बाद करण भैया घर वापस लौटे हैं और इतनी मुश्किल से इस कुणाल नाम की वाला से हमें छुटकारा मिला है, तो हम तीनों मिलके बस यही सोच रहे थे कि अब कुछ भी करके ना भैया और भाभी के बीच की नजदीकियों को बढ़ाना है। अब हमें यही सोच रहे थे। आप भी कुछ बताइए, हम कैसे कर सकते हैं ये? मेनका जी, नीचे कांच के टुकड़े गिरे पड़े हैं, उसे साफ करवा दो। जी अम्मा जी। चलो आते हैं अम्मा जी। बाल बाल बच गए। एग्जैक्टली डैड, तुम्हारे तेवर देखकर ये लग रहा है कि तुम कोई शातिर तरकीब ढूंढ रहे हो। क्यों डैड? बताता हूं, फिलहाल तो बस ये कांच बिखरा है। अब आप देखिए मैं कैसे इस करण काव्या के बीच जो जिंदगी है ना, इसको बिखेर के रख देता हूं। बस यही प्लानिंग चल रही है। I know, you can do it. I will. सर, आप यहाँ किचन में क्या कर रहे हैं? एक फेवर करो तो बताता हूँ। हाँ सर। ये काव्या को दिया प्लीज। क्या है सर इसमें? उसका फेवरेट पुलाव। ये आपने बनाया है सर? थैंक यू। आई होप
काव्या उसके फेवरेट पुलाव देखकर मना ना करे। अब कैसी है काव्या? अब अभी अभी ठीक है, पहले से बेहतर है, सो रही है अभी। अच्छी बात है। पार्वती जी, जी आप जरा हमारे साथ आइए। जी काव्य लो खाना। आहिस्ता, सो रही है क्या? काव्य का फेवरेट पुलाव। ठीक है, उतार रख दो। थोड़ी देर सोने देते हैं। हाँ बेटा, अरे आराम से बेटा, आराम से। पापा जी, पुलाव की खुशबू आ रही है। एक मिनट, हमारी गुड़िया की फेवरेट पुलाव। बहुत अच्छी खुशबू है। खाओ बेटा। पुलाव देखकर तो मुझसे रहा ही नहीं जाता। हाँ भाई, बचपन की आदत है। कितने कमाल की बात है, करण सर को काव्या की पसंद और नापसंद आज भी याद है। धीरे धीरे यही बात काव्या को करण सर के करीब ले आएगी। देखिए पार्वती जी, हमारी बिटिया खाना खा रही है, उसकी मनपसंद पुलाव। माँ, आपके हाथ का पुलाव खाकर तो मेरी मरी हुई भूख भी जिंदा हो जाती। बहुत स्वादिष्ट बनाया है। लेकिन बेटा, ये पुलाव मैंने नहीं बनाया। तो फिर पापा जी, आपने बनाया है? नहीं, मैंने नहीं बनाया बेटा। आंटी सही कह रही है, ये पुलाव आंटी ने नहीं बल्कि करण सर ने खुद तुम्हारे लिए बनाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, खाना खत्म हो गया है, ये अब चुपचाप दवाई लो और सो जाओ। चलो सो जाओ, चलो चलो चलो, दवाई लो।
ये फोटो यहाँ पे किसने बदली है? ये दूसरी फोटो किसने बदली? मैंने। क्यों? क्योंकि अब करण की फोटो, मतलब ये फोटो, इस फोटो को देखोगी तभी करण को अपना पाओगी। काव्या? के कमरे में क्यों जा रहा है? आई होप काव्या को पुलाव पसंद आया हो। साफ बता रहे हैं काव्य आज भी तुम्हारी कमजोरी है। अब देखो मैं कैसे तुम्हारी उस खूबसूरत कमजोरी को मैं फायदे में बदलता हूं।
ठीक है, हम सब तैयारी कर लेंगे। आप सिर्फ कल सुबह 11 बजे हवेली पहुंच जाइएगा। भवानी जी, आप इजाजत दीजिए। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आइए, खाना खा लीजिए, फिर चले जाइएगा। नहीं, जाने दीजिए, खाना फिर कभी खा लेंगे। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, मुझे निकलना चाहिए। ठीक है, पर कल याद से 11 बजे से पहले हवेली पहुंच जाइएगा। जी। हमने करण के लौटने की खुशी में एक पूजा रखी है, जिसमें करण और काव्या दोनों एक साथ बैठेंगे। इस पूजा से करण और काव्या के वैवाहिक जीवन की एक नई शुरुआत हो जाएगी। ये तो अच्छी बात है। अच्छी खबर है ये। ठीक है, हम पहुंच जाएंगे 11 से पहले ही। जरूर। अभी इजाजत दीजिए। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। ख्याल रखिएगा पार्वती जी, अपना ख्याल रखना बच्चा। चलता हूं। आइए बैठिए। पूजा अच्छा है, मुझे भी आग लगाने का मौका मिलेगा। मौका सही है रिश्ते में दरार डालने के लिए, क्योंकि एक बार अगर करण और काव्या जुड़ गए तो बुढ़िया इनमें न्योछावर हो जाएगी, और कहां हमें और रॉकी को हमारा हक देगी फिर। हमें हवेली में नहीं है, सब जगह देख लिया है, वो कहीं नहीं मिल रही। महादेव, एक अनजान चेहरे को मैं पूरी तरह से अपने मन में बसा लूं, उसे अपना लूं, मैं ये नहीं कर सकती महादेव। हाँ दादी माँ, आज हवेली में पूजा है, आप तुरंत हवेली वापस आ जाइए। कहाँ हो तुम काव्या?